आजकल इलेक्शन हो रहा है ना, इलेक्शन के अंदर भी नफरती माहौल, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हालांकि इलेक्शन तो होना चाहिए मुद्दों पर, इश्यूज पर, कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, सर्विस नहीं मिल रही, महंगाई बहुत है, अस्पताल नहीं खुल रहे। अब मैंने कल ही परसों अखबार में पढ़ा, मैंने गर्मी की छुट्टियां आ रही है ना, आपको मालूम है स्कूलों की भी छुट्टियां होने वाली हैं, कॉलेजों में भी छुट्टियां होने वाली हैं, अस्पतालों में भी छुट्टियां होने वाली हैं। ताज्जुब होगा ना आपको सुन, डॉक्टरों की भी छुट्टियां होने वाली हैं। सरकारी अस्पतालों के जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको भी गर्मियों में छुट्टी मिलती है। मैंने अखबार में पढ़ा कि ओपीडी में भी टाइम अब ज़्यादा लगेगा, सीनियर डॉक्टर चले जाएंगे, कोई 15 दिन के लिए, कोई महीने भर के लिए। आप बताइए मरीजों पे क्या गुजरेगी, जो बीमार है उस पर क्या गुजरेगी। होना तो ये चाहिए, मैं छुट्टी के खिलाफ नहीं हूँ, होना ये चाहिए ना कि सरकार को कुछ ऐसे डॉक्टर अलग से रखने चाहिए ताकि मरीजों के लिए परेशानी ना हो। भाई 100 डॉक्टर अगर छुट्टी पे जा रहे हैं तो आप 100 डॉक्टर अलग से ला के रखो ताकि मरीजों के लिए परेशानी ना हो। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यह है मुद्दे असल। कोई त्यौहार होगा उस पर छुट्टी होगी, इतवार होगा तो छुट्टी होगी, सर्दी की छुट्टी अलग होगी, गर्मी की छुट्टी अलग होगी, तो बेचारे बीमार कहाँ जाए। मुझे याद आ रहा है बल्ली महारान में एक साहब थे अब्दुल सत्तार साहब थे, उनका एक जवान लड़का था। इतवार उसका कोई त्यौहार था, दिवाली थी या कोई था, छुट्टी थी सरकारी। वो दरियागंज से कोई सब्जी मंडी से फ्रूट्स और सब्जी लेने चला गया। जब वहाँ से बस में बैठा, लाल किला रेड लाइट पे बस से उतरा, पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी, उसने धक्का मार दिया, उसकी पिंडली टूट गई, टांग की फ्रैक्चर हो। अब सरकारी छुट्टी, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं डॉक्टर नहीं, जहाँ जा रहे हैं डॉक्टर नहीं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल मिला, एक जूनियर डॉक्टर ने टाके लगा दिए कि भाई सीनियर डॉक्टर तो है नहीं। अब उसकी हालत बिगड़ती गई बिगड़ती गई बिगड़ती गई, जवान बच्चा सफ़ेद पड़ गया, खून निकल गया, ख़त्म हो गया। कहाँ चला गया इसका खून? सीनियर डॉक्टर आया अगले दिन, उसने कहा टांके गलत लगाए, जहां से खून का रिसाव आ रहा था उस नस पे तो टांका लगाया ही नहीं, ऊपर से सी दिया। नतीजा ये हुआ कि जब सीनियर डॉक्टर आया, उसने कहा ना तो अब ऑपरेशन हो सकता है, ना ब्लड चढ़ सकता है, वो जवान बच्चा एक दिन में मर गया। ये है सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर की ज़रूरत का, यह है हाल। तो हम तो यही कहते हैं मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए। पोलराइजेशन के लिए लोग नफरती बातें कर रहे हैं, हमें अपना डर नहीं है, मुसलमानों का हमें डर नहीं है, हमें मुसलमानों का डर नहीं है। कागज़ गिराए, हमारा तो अल्लाह मालिक है, हमारा मददगार अल्लाह है सबसे बड़ा, हमारे मदद के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का नसीबा नहीं छीन सकता। मैं सुन रहा था कोई साहब कह रहे थे मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे तो हमारा नसीबा छीन लेगा कोई, कोई हमारी किस्मत छीन लेगा, कोई हमारा मुकद्दर छीन लेगा, जो अल्लाह ने लिखा है मिलेगा। मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी फिक्र में दूसरे लोग दुबले हो रहे हैं खावा खा। मुसलमान तो अल्लाह के शुक्र से मस्त है, मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं।